कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। चीन के साथ विवाद पर राहुल ने सरकार को घेरा। कहा, पीएम मोदी को छोड़कर हर किसी को सेना पर विश्वास। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर हलचल तेज। आज कमलनाथ के साथ होगी दिग्गजों की बैठक। प्रचार अभियान का जिम्मा सौंपे जाने पर होगा विचार। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज। एलजीपी के तेवर के बाद सकते में जेडीयू और बीजेपी। आज होगी दोनों दलों के बीच बैठक। फेसबुक की विश्वसनीयता पर उठे सवाल। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और एआईएमआईएम नेता असुद्दीन ओवैसी ने फेसबुक पर उठाए सवाल। ओवैसी ने कहा, बीजेपी के फेसबुक से है संबंध। उत्तर प्रदेश के होमगार्ड मंत्री और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान की तबीयत और बिगड़ी। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में चल रहा है इलाज। हाल ही में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे चेतन चौहान। स्वास्थ्य मुसीबत के बीच आज से खुले वैष्णो देवी के दरबार। 5 महीने बाद फिर से शुरू हुई यात्रा। पहले हफ्ते में 2000 तीर्थ यात्री ही कर सकेंगे दर्शन। आज जन्मदिन मना रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना। जवाब में सीएम केजरीवाल ने दिया धन्यवाद। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास। धोनी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी जानकारी। आईपीएल में खेलते रहेंगे धोनी। धोनी के संन्यास पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बीसीसीआई से अपील। बोले, धोनी के लिए फेयरवेल मैच का रांची में हो आयोजन। असम में बाढ़ से बड़ी लोगों की मुश्किलें। कई इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पूर्वोत्तर क्षेत्र पर बने दबाव से कई राज्यों में होगी भारी बारिश। दुनिया भर में कोरोना का कहर बरकरार। अब तक 2,16,00,000 के पार हुआ संक्रमितों का आंकड़ा। 7,68,000 से ज्यादा हुई महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या। बिगड़ी बात बनाने की कोशिश। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री मोदी को किया फोन। दोनों नेताओं के बीच 4 महीने बाद हुई बातचीत। पाकिस्तान की नापाक हरकत। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई म्यांमार में भी आतंकी समूहों को दे रही है ट्रेनिंग। रोहिंग्यों को आतंकी बनाने की कोशिश जारी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी तेज। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर बाइडेन ने किया गलत। मेरे पास उनसे ज्यादा भारतीयों का समर्थन। अमेरिकी राष्ट्रपति का चीनी कंपनी को आदेश। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाइट डांस से कहा, अमेरिका में 90 दिन में टिकटॉक बिजनेस बेचो, ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा। होटल के बिल इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी होगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र। टैक्स चोरी का हर रास्ता बंद करना चाहती है सरकार। टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ाने के लिए हर इंतजाम करने में जुटी सरकार। मुकेश अंबानी ने कोरोना महामारी पर लिखी किताब। बोले, आधुनिक इतिहास में सबसे विध्वंसकारी घटना। इसके खिलाफ लड़ाई में वैश्विक स्तर पर सहकारी और सहयोगपूर्ण प्रयासों की जरूरत। रिलायंस में उत्तराधिकार को लेकर ना हो कोई विवाद, इसलिए मुकेश अंबानी बनाएंगे फैमिली काउंसिल। काउंसिल में आकाश अंबानी, अनंत अंबानी और उनकी बेटी ईशा अंबानी होंगी शामिल। सोने चांदी की तेजी पर कोरोना वायरस ने लगाया ब्रेक। चांदी हुई 5,840 रुपये प्रति किलो कमजोर। वहीं सोने का भाव 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से नीचे आने की संभावना। पेट्रोल की कीमतों में हुआ इजाफा। दिल्ली में 14 पैसे प्रति लीटर बढ़ोतरी के साथ 80 रुपये प्रति लीटर पर पहुंचा पेट्रोल। डीजल की कीमतों में नहीं हुआ कोई बदलाव। 73 रुपये प्रति लीटर बिक रहा डीजल।